आपको भैया बुलाऊं या अंकल? भैया भैया हाँ। अंकल तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब सफेद बाल है। नहीं नहीं बहुत स्मार्ट हो आप। बचपन में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था और अब कौन सा? बचपन में मेरा फेवरेट सॉन्ग था कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, वो था मेरा फेवरेट। और अभी है इतना सोना, अरिजीत सिंह। अरे सारे आपको मेरे फैंस के आते हैं। और क्या, सबके फेवरेट होते हैं, अरिजीत सिंह के सारे सबके फेवरेट होते हैं सॉन्ग। वाओ। और बचपन में आपका फेवरेट एक्टर कौन था और अब कौन सा? बचपन में भी मेरे फेवरेट एक्टर आमिर खान थे और अभी भी वही हैं। और बचपन में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी और अब कौन सी है? पर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, अनुष्का मैम तो सबसे अच्छी एक्ट्रेस है, अब उनका नाम नहीं ले सकते, वो तो आपकी वाइफ है ना। तो ऑप्शंस में है श्रद्धा कपूर मैम, ऐश्वर्या राय मैम, दीपिका पादुकोण मैम और आलिया भट्ट। नहीं, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो मेरी वाइफ ही है। वाइफ ही है, वो ऑप्शन ऑप्शन मैटर नहीं करता उसमें। मेरी वाइफ ही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। और बचपन में मैंने जितनी भी मूवीज देखी उसमें मुझे किरण खेर जी बहुत पसंद थी, वो बहुत अच्छे रोल करती है और बहुत कन्विंसिंगली करती हैं, तो बचपन में मुझे उनको देखना बहुत अच्छा लगता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट डांस स्टेप कौन सा, आप मुझे सिखाओ। डांस स्टेप मेरा भंगड़ा है, आप करोगे मेरे साथ? हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट डांस स्टेप कौन सा, आप मुझे सिखाओ। डांस स्टेप मेरा भंगड़ा है, आप करोगे मेरे साथ? हाँ। हाँ, ये मेरा भी करो ऐसे। अच्छा, ये क्या? नहीं, ये मेरा फेवरेट नहीं था, मेरा तो यही था जो आपने किया ना, ये हाँ, ये बस ये मेरा फेवरेट था। आपका फेवरेट फूड कौन सा था और अब कौन सा? मेरा फेवरेट फूड था छोले भटूरे। छोले भटूरे जब मैं छोटा था, अब मुझे घर का खाना अच्छा लगता है पका हुआ, तो घर पे जो सिंपल खाना बनता है वही मैं खाता हूँ, कोई भी सब्जी दाल, अलग अलग डिशेज हम बनाते हैं लेकिन घर का खाना मुझे अब सबसे अच्छा लगता है। ओके। हाँ, आपको आलू के परांठे अच्छे लगते हैं? आलू के परांठे बहुत खाए मैंने, स्वाद तो मतलब आलू के परांठों की अलग ही बात है, लेकिन छोले भटूरे कभी कभी मिलते थे ना, तो वो ऐसा होता था कि जब मिल गए तो इतने खा जाता था मैं कि सांस भी नहीं आता था मुझे यहाँ तक, बिल्कुल बहुत पसंद है मेरे को छोले भटूरे। आपका जैसे कुछ ऐसा वर्ड है जो आप बहुत ज्यादा बोलते थे, एग्जांपल मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, मेरा वर्ड है ओफो, आपको ये भी नहीं पता, वैसे आपका कोई वर्ड है? हाँ, जैसे कोई चीज किसी ने बोली कि यार उसने ना ऐसा कर दिया या उसने बड़ा कोई कमाल काम कर दिया, तो मेरा हर चीज का रिएक्शन होता, नहीं यार पहले मैं ऐसे बोलता, नहीं यार क्या बात कर रहा है, नहीं यार मैंने जरूर किया, हाँ नहीं यार, नहीं नहीं मतलब अगर सरप्राइज, नहीं नहीं क्या बात कर रहा है, और अगर नहीं यार कुछ पसंद नहीं आए तो भी, मतलब नहीं यार मेरे मुंह से हमेशा निकलता था। पर ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन बताऊंगी, उसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है बताओ। पहला एक्सप्रेशन है रोने में बोलो, पहले मैं आपको बोल के दिखाऊं? हाँ बताओ। आपको तो ये भी नहीं पता, मेरा डायलॉग कैसे बोल के दिखाओ? नहीं यार मैंने नहीं चुराई थी पेंसिल यार, मैंने नहीं किया। वेरी क्यूट। और अभी मैं शर्माने में बोलूं अपना डायलॉग, फिर आप बोलना। ओहो, आपको तो ये भी नहीं पता। अब आप बोलो। नहीं यार मैं नहीं। ओह क्यूट। अच्छा और क्या है? घर पे ऑब्वियसली हम लोग केक काटते थे, बट जब स्कूल जाना होता था पहले तो वहाँ पे मैं टॉफी के पैकेट्स लेके जाता था, क्लास में सब बच्चों को दो दो टॉफीज देता था और कभी कभी खाना भी लेके जाता था घर से बनवा के, और फिर शाम को घर पे आके हम लोग केक काटते थे, कभी डिनर के लिए चले जाते थे बाहर, तो ये सिंपल रहता था एकदम मेरा बर्थडे। मैंने सुना है आप बहुत नॉटी हो, तो ऐसे आपने कौन सा प्रैंक किया अपने टीचर्स के साथ, किसी के भी साथ? मुझे, मैं शादी वगैरह में जाता था तो वो नोट उड़ाते थे,
डांस करते हुए ना, तो वो नोट उड़ाते हैं. तो मुझे एक बार गेस्ट आए थे घर पे, तो मेरी मदर ने 50 रुपीज का नोट दिया. वो बहुत, मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, 50 रुपए का नोट इतना बड़ा. तो उन्होंने बोला कि ये कुछ सामान लेके आ जा. तो मैं गया नीचे और मुझे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई चीज, मैंने वो 50 रुपए के नोट के इतने इतने टुकड़े किए और मैंने वो हवा में उड़ाए और मैं उसके नीचे डांस करके घर आ गया.